My name is Preety Saluja. आज मैं आपको एक introduction बताऊंगी. Introduction पहले मैं आपको English का बताऊंगी कि basic course में introduction English का कैसे होता है. सबसे पहले हम past tense पढ़ेंगे. हमारा बीता हुआ कल past tense, हमारा आज यानी present tense और आने वाला कल यानी कि future tense. Basic English में most probably टेंसेस ही पढ़ाए जाते हैं और टेंसेस के अलावा उन्हीं टेंसेस पे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको बनाना मैं सिखाऊंगी. कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस होता है. इंडेफिनिट टेंस सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड होता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है इन टेंसेस को. इन टेंसेस को याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ये जिस वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं किन चीजों की बात कर रही हूं. पास्ट में भी इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. Likewise, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. इन tenses को use कैसे करना है, सीखना कैसे है, इसके sentences कैसे बताने हैं, वो मैं आपको इस introduction के बाद next video में बताऊंगी. अभी फिलहाल मैंने एक introduction के कुछ sentences board पे लिखे हैं जो हिंदी में हैं. आप जब भी किसी नए इंसान से मिलते हो या कहीं जॉब के लिए जाते हो या किसी भी अपने फैमिली फ्रेंड से या किसी से भी पहली बार जब मिलते हो तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हो उसको. तो उस इंट्रोडक्शन को आपको इंग्लिश में कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहला काम जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते समय जो पहला सेंटेंस बोलते हो वो अपना नाम होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मेरा नाम प्रवीण सहरावत है. तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे. मेरा नाम यानी कि माय नेम इज प्रवीण सहरावत. आप कैसे बोलोगे माय नेम इज प्रवीण सहरावत. आप अपना नाम इस तरीके से बताएंगे. जो मैंने सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे मिक्सचर हैं इन्हीं टेंसेस का, पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का. जितने भी हैं सारे मिक्सचर हैं. जो पास्ट होता है, जो प्रेजेंट होता है, जो फ्यूचर होता है, सबकी अलग अलग पहचान है. पास्ट में हम अपनी पिछली बातें करते हैं, प्रेजेंट में आज की बात करते हैं और फ्यूचर में आने वाले कल की बात करते हैं. लेकिन इन जितने भी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये सेंटेंसेस ये सारे मिक्सचर हैं अभी. तो पहले मैं एक सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल वन बाय वन ये सारे टेंसेस कराऊंगी. सेकंड सेंटेंस होता है मेरे पिताजी का नाम बलदेव सिंह है. माय फादर्स नेम इज. आप श्री लगाना चाहते हैं तो श्री भी लगा सकते हैं नाम के आगे क्योंकि आपके फादर का नाम है. श्री बलदेव सिंह. माय फादर्स नेम इज श्री बलदेव सिंह. मेरी माता जी का नाम रोशनी देवी है. माय मदर्स नेम इज रोशनी देवी. या फिर माय मदर्स नेम इज श्रीमती रोशनी देवी. हम चार भाई बहन हैं. हम वी आर फोर सिबलिंग्स. वी आर फोर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स होता है सगे भाई बहन. मैंने बी कॉम किया है. आई हैव डन बी कॉम. आई हैव डन बी कॉम. मैं आर्मी में हूं.
आई एम इन आर्मी, या फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं, आई वर्क विद आर्मी, या फिर कैसे कह सकते हैं, आई एम सर्विंग आर्मी या फिर इंडियन आर्मी. आई एम सर्विंग इंडियन आर्मी, आई एम सर्विंग इंडियन आर्मी. मुझे खेल पसंद है, आई लाइक स्पोर्ट्स, आई लाइक स्पोर्ट्स. मेरी आर्मी में भर्ती 2016 में हुई, आई ज्वाइंड इंडियन आर्मी इन 2016. सो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो हम जब भी किसी से मिलते हैं और अपने बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बताते हैं, लेकिन मेन बातें बताते हैं, तो वो सब ये चीज़ें होती हैं. इनके अलावा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था आपके अपने बारे में. जब हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और इन पे सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से आप खुद ही बना सकते हैं. ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. इसके अलावा भी जो बातें आप उनको बताना चाहते हैं, जब आप एक बार ये टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आगे उस चीज़ को बताना. तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस पे कुछ वीडियो हैं जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ. उन वीडियोस को देखें, कोई डाउट आता है तो मुझे आप कम्युनिकेट करके बता सकते हैं. तो बाय द टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.